मॉर्निंग। आज मैं डीफॉर्म फाइनल ईयर का नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर 10 हिप्नोटिक के बारे में बताने जा रही हूँ। हिप्नोटिक के पहले आप जानिए सीडेटिव और हिप्नोटिक में अंतर क्या है। तो आपको क्या बताना पहले हिप्नोटिक। तो हिप्नोटिक के पहले आता है सीडेटिव। तो सीडेटिव क्या होता है? सीडेटिव आर ड्रग विच काम डाउन एनर्जेटिक प्रोड्यूसिंग माइल्ड डिप्रेशन विदाउट प्रोड्यूसिंग स्लीप। मतलब जो सीडेटिव होता है, सीडेटिव हिप्नोटिक के पहले सीडेटिव और हिप्नोटिक एक ही कैटेगरी में ड्रग आते हैं, तो एक ही क्लासिफिकेशन करें। तो सबसे पहले जानिए सीडेटिव। सीडेटिव ऐसा ड्रग होता है जो क्या करता है, माइल्ड डिप्रेशन मतलब काम डाउन कर देगा, काम डाउन में आपके ब्रेन को कर देगा और माइल्ड डिप्रेशन कर देगा विदाउट स्लीप, विदाउट प्रोड्यूसिंग स्लीप। मतलब कि नींद नहीं आएगा और क्या कर देगा आपको, माइल्ड डिप्रेस कर देगा। तो उसको हम क्या कहेंगे, सीडेटिव कहते हैं। हिप्नोटिक क्या कहता है, मतलब हिप्नोटिक आर ए ड्रग विच प्रोड्यूस ड्रॉजीनेस एंड स्लीपिंग डिप्रेसिंग द सीएनएस, स्लीपिंग बाय डिप्रेसिंग द सीएनएस। हिप्नोटिक क्या करता है, हिप्नोटिक वाले ड्रग ऐसे ड्रग होते हैं जो क्या करते हैं कि ड्रॉजीनेस कॉज करते हैं और क्या करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि नींद आने लगेगा और सीएनएस को क्या करेंगे, डिप्रेस कर देंगे। तो ऐसे ड्रग जो सर्जरी वगैरह में प्रयोग किए जाते हैं, हिप्नोटिक ड्रग होते हैं जिससे कि नींद आ जाए, बेहोश हो जाए इंसान, और ऑपरेशन में इसको यूज किया जाता है हिप्नोटिक। सीडेटिव क्या होते हैं कि आपको नींद नहीं आएगा लेकिन क्या होगा कि माइल्ड डिप्रेस्ड हो जाएगा, काम डाउन हो जाएगा। तो लिख लीजिए सीडेटिव क्या होता है। सीडेटिव आर द ड्रग, सीडेटिव आर द ड्रग विच प्रोड्यूस माइल्ड डिप्रेशन क्या करेगा, माइल्ड डिप्रेशन प्रोड्यूस करेगा, क्या करेगा आपको। जो सीडेटिव जो होता है वो ऐसा ड्रग होता है जो क्या करता है कि काम डाउन क्या करेगा, एनर्जेटिक मतलब कि जो आपको टेंशन वगैरह रहेगा उसको क्या करेगा, कम कर देगा। कैसे, माइल्ड डिप्रेशन प्रोड्यूस करके। तो क्या कह रहा है कि सीडेटिव आर ड्रग विच काम डाउन, क्या कह रहा है, Which calm down anxiety by producing mild depression। तो क्या कर रहा है, which calm down किसको calm down कर रहा है, anxiety tension को, anxiety by producing mild depression without producing sleep, without producing sleep। मतलब कि वो सीडेटिव ड्रग लेने से आपको नींद नहीं आएगी लेकिन क्या होगा, आपको टेंशन थोड़ा कम हो जाएगा। कैसे होगा कि माइल्ड डिप्रेशन कर देगा, प्रोड्यूस कर देगा, और जिससे क्या होगा कि आपको जो टेंशन, जो घबराहट होगी वो थोड़ा क्या होगा, कम हो जाएगा। तो सीडेटिव ऐसे ड्रग होते हैं जो क्या करते हैं, काम डाउन कर देंगे आपके एनर्जिटी को बाय प्रोड्यूसिंग माइल्ड डिप्रेशन विदाउट प्रोड्यूसिंग स्लीप। तो ये सीडेटिव का डिफिनीशन हो गया। फिर जो आपका है सिलेबस में हिप्नोटिक क्या होते हैं, हिप्नोटिक ड्रग क्या होते हैं, हिप्नोटिक हिप्नोटिक क्या होता है कि ऐसा ड्रग कि जो क्या करता है, ड्रॉजीनेस को प्रोड्यूस करता है और एंड स्लीप को बाय डिप्रेसिंग द सीएनएस।
क्या कहता है, हिप्नोटिक आर ड्रग and sleep. क्या कर रहा है कि हिप्नोटिक ऐसा ड्रग होता है जो प्रोड्यूस करता है डोजिनेस और स्लीप बाय डिप्रेसिंग द CNS. CNS को डिप्रेस करके क्या कर देगा कि स्लीप और ड्रोजिनेस को प्रोड्यूस करेगा, उसी को हम हिप्नोटिक कहते हैं. ठीक है, आपको एग्जाम में पूछे अगर आपको सीडेटिव क्या होता है, सीडेटिव ऐसे ड्रग होते हैं जो क्या है, माइल्ड डिप्रेशन प्रोड्यूस करते हैं जिससे क्या होता है, काम डाउन हो जाता है आपके एनाइजेटी को और विदाउट स्लीप. जबकि हिप्नोटिक ऐसे ड्रग होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं आपके डोजिनेट और स्लीप को और डिप्रेस कर देते हैं आपके CNS को. तो हिप्नोटिक में आपको कौन सा पड़ रहा है, इसके क्लासिफिकेशन देख लीजिए. क्लासिफिकेशन में आता है हिप्नोटिक की क्लासिफिकेशन में, आता है पहला बार्बिट्यूरेट. बार्बिट्यूरेट में पहला आता है आपका एम, इसका आता है लॉन्ग एक्टिंग बार्बिट्यूरेट. एम होगा लॉन्ग एक्टिंग बार्बिट्यूरेट. ठीक है, लॉन्ग एक्टिंग बार्बिट्यूरेट में कौन कौन आता है, फिनोबार्बिटोन जो आपको सिलेबस में है. फिनोबार्बिटोन. ठीक है, फिर दूसरा आता है आपका लॉन्ग इंटरमीडिएट एक्टिंग बार्बिट्यूरेट. बी हो गया इंटरमीडिएट एक्टिंग बार्बिट्यूरेट. इसमें कौन कौन सा आएगा इंटरमीडिएट एक्टिंग बार्बिट्यूरेट में, आपका आता है साइक्लोबार्बिटोन और बीटा बार्बिटोन. साइक्लोबार्बिटोन ये भी आपके सिलेबस में है. साइक्लोबार्बिटोन और एक और आपको पढ़ना है कौन सा ड्रग, बूटा बार्बिटोन. दूसरा है बूटा बार्बिटोन. तो दो क्लासिफिकेशन मैंने बताया बार्बिट्यूरेट में, पहला बताया लॉन्ग एक्टिंग फिनोबार्बिटोन आता है और इंटरमीडिएट एक्टिंग बार्बिटोन में साइक्लोबार्बिटोन और बूटा बार्बिटोन दोनों आपके सिलेबस में. तीनों ड्रग के बारे में आपको पढ़ना है. ठीक है, तीसरा क्लासिफिकेशन आता है शॉर्ट एक्टिंग बार्बिट्यूरेट. ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग बार्बिट्यूरेट. इसमें कौन कौन से ड्रग आते हैं आपके, सिकोबार्बिटोन और हेक्सोबार्बिटोन. सिकोबार्बिटोन और दूसरा ड्रग कौन सा आता है, हेक्सोबार्बिटोन. ठीक है, तो ड्रग दो ड्रग आ गए शॉर्ट एक्टिंग में. अल्ट्रा सॉफ्ट एक्टिंग में थायोपेंटेन और मिक्सोहेक्सीटोन. एक्स्ट्रा शॉर्ट
एक्टिंग में कौन कौन आएंगे आपके? थायोपेंटेन। और दूसरा आता है आपका मिक्सो मेथोहेक्सीटोन, मेथो हेक्सीटोन। ये सारे ड्रग आपके हिप्नोटिक के क्लासिफिकेशन में आते हैं। तो हिप्नोटिक के क्लासिफिकेशन में चार क्लासिफिकेशन मैंने बताया, बारबिट्यूरेट के अंदर लॉन्ग एक्टिंग बारबिट्यूरेट फिनोबारबिटोन आ गया, फिर आ गया आपका इंटरमीडिएट एक्टिंग बारबिटोन में आपका बूटाबिटोन और साइक्लोबुटाडीन, शॉर्ट एक्टिंग बारबिटोन में सिकोबारबिटोन और हेक्सोबारबिटोन, और एक्स्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग थायोफेंटेन और मेथोहेक्सीटोन। तो ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम इस ड्रग के, एक एक ड्रग के बारे में बताएंगे। सबसे पहला ड्रग है बारबिट्यूरेट के क्लासिफिकेशन के अंदर आता है फिनोबारबिटोन, फिनो बारबिटोन, फिनोबारबिटोन। ये लॉन्ग एक्टिंग बारबिट्यूरेट के क्लासिफिकेशन में, कौन सा क्लासिफिकेशन होगा? बारबिट्यूरेट, बारबिट्यूरेट में लॉन्ग एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग बारबिट्यूरेट। तो क्या है ये लॉन्ग एक्टिंग बारबिट्यूरेट में? क्या है? फिनोबारबिटोन, फिनोबारबिटोन, फिनोबारबिटोन था। हमें क्या पढ़ना है? इसका सबसे पहले स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर। तो फिनोबारबिटोन का सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या है। इसका ब्रांड नेम क्या होगा आपका फिनोबारबिटोन का? ल्यूमिनॉल। ब्रांड नेम ल्यूमिनॉल, ठीक है। ल्यूमिनॉल इसका क्या हो गया? ल्यूमिनॉल ब्रांड नेम हो गया। दूसरा इसका क्या है आपका? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे इसका? सबसे पहले आपका फिनोबारबिटोन वाला बारबिट्यूरेट वाली रिंग बनाओ, ठीक है। इसके साथ क्या होगा? एक बेंजीन रिंग अटैच हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा आपका फिनोबारबिटोन के स्ट्रक्चर में? आपका CH2CH3 ग्रुप जुड़ जाएगा, CH2CH3 ऐसे भी लिख सकते हो, CH2CH3 ग्रुप। फिर इसके साथ आपका कीटो ग्रुप दोनों तरफ, यहाँ पे NH, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। ये आपका किसका स्ट्रक्चर हो गया? फिनोबारबिटोन का, फिनोबारबिटोन का। दो दो आपका ये रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? N। तो चाहो तो ऐसे बना दो आप इसको फिनोबारबिटोन का कि, या तो इसको ये वाला ग्राफ यहाँ बना दो, दोनों तरफ बना सकते हो, इसको ऐसे भी बना सकते हो। कैसे बनेगा ये? ऐसे बना दो, सबसे पहले क्या फिनोबारबिटोन वाली रिंग बनाओ। फिनोबारबिटोन में यहाँ पे N, यहाँ पे NH, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा आपका? सबसे पहले एक बेंजीन रिंग, ठीक है, बेंजीन रिंग के साथ CH2 CH3 ऐसे भी दिखा सकते हो। और यहाँ पे क्या हो? डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड O। ये आपका किसका स्ट्रक्चर हो गया? फिनोबारबिटोन का। तो फिनोबारबिटोन का स्ट्रक्चर में क्या है आपका? ये है, चाहो तो NH को इसको यहाँ पे दिखा दो, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और इसका NH,
ये आपका फिनोबार्बिटन के स्ट्रक्चर हो गया। फिनोबार्बिटन के स्ट्रक्चर में क्या है, सबसे पहले क्या है आपका एक बेंसाइक्लिक रिंग बनाओ, दो आपका नाइट्रोजन NH, एक NH होगा दो, और तीन कीटो ग्रुप होगा। आज फिर से क्या हो गया, एक से एक कार्बन के साथ CH2CH3 और एक फिनाइल वाला रिंग जोड़ दो, ये आपका फिनोबार्बिटन का स्ट्रक्चर हो गया। फिर नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी में सबसे पहले क्या आता है, कलर। कलर क्या है, कलरलेस या वाइट कलर क्रिस्टलाइन पाउडर, क्रिस्टल लिख सकते हो, ठीक है। फिर क्या है इसका टेस्ट जो होगा बीटर होगा, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, वाटर में इनसॉल्युबल होगा, इनसॉल्युबल इन वाटर, दूसरा क्या है सॉल्युबल इन क्लोरोफॉर्म और किसमें अल्कोहल, ईथर, इसमें क्या है ये सॉल्युबल है, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी होगी। फिर हम बात करते हैं इसके स्टेबिलिटी की। ये जो होता है आपका फिनोबार्बिटन, ये स्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पे, तो चाहो तो लिख लो स्टेबिलिटी में, स्टेबिलिटी में क्या होगा, स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। स्टोरेज का क्या होगा, वेल क्लोज कंटेनर, क्या कह रहा है फॉर्मुलेशन क्या होगा, टैबलेट और कैप्सूल दोनों आता है, टैबलेट आता है कैप्सूल आता है, ये आपका फिनोबार्बिटन का टैबलेट कैप्सूल टैबलेट सिरप सॉरी कैप्सूल है और इंजेक्शन, सिरप भी और इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है। और यूज तो पता ही है क्या है, हिप्नोटिक की तरह इसका यूज होता है, ठीक है। तो इसका यूज क्या होगा, यूज एज ए हिप्नोटिक ड्रग, यूजेस क्या होगा हिप्नोटिक, हिप्नोटिक, ठीक है। ये आपका फिनोबार्बिटन हो गया। फिनोबार्बिटन में मैंने क्या क्या बताया, सबसे पहले इसका ब्रांड नेम क्या है, दूसरा इसका स्ट्रक्चर, तीसरा इसका फिजिकल प्रॉपर्टी, चौथा इसका स्टेबिलिटी, पांचवा स्टोरेज, छठा फॉर्मुलेशन, सातवां यूजेस। तो ये आपका फिनोबार्बिटन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर मैंने एक बार और बता देती हूँ, बार्बिटन बार्बिचुरेट वाले क्लासिफिकेशन का, बार्बिचुरेट का स्ट्रक्चर क्या होगा, बार्बिचुरेट के स्ट्रक्चर में यहाँ पे यहाँ पे आपका क्या होगा डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे आपका NH, यहाँ पे क्या होगा आपका, इससे क्या जुड़ेगा एक बेंजीन वाली रिंग, क्या हो गई बेंजीन वाली रिंग जुड़ गई, और दूसरा से क्या जुड़ेगा CH2CH3, ठीक है। यहाँ भी ओ होगा और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे NH देखो N और यहाँ पे डबल बॉन्ड O होंगे, ये आपका
फिनोबार्बिटन का स्ट्रक्चर हो गया। फिनोबार्बिटन का स्ट्रक्चर ये हो गया। याद करने का तरीका एक बार और बताए, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बता दिया दोबारा। फिर इसका स्ट्रक्चर हो गया। यूज क्या क्या बताया मैंने, रिड्यूस एनर्जिटी, ये भी लिख सकते हो रिड्यूस और हिप्नोटिक के तरह यूज होता है। हिप्नोटिक ड्रग ये है तो हिप्नोटिक के तरह ये यूज होता है। फॉर्मुलेशन क्या होता है इसका, टैबलेट आता है, सिरप आता है और इंजेक्शन आता है, ठीक है। ब्रांड नेम क्या होता है, ल्यूमिनॉल के नाम से ये आपका मार्केट में अवेलेबल होता है, ठीक है। तो ये आपका एक ड्रग कंप्लीट हो गया फिनोबार्बिटन। नेक्स्ट ड्रग देख लेते हैं, लॉन्ग एक्टिंग में एक ही ड्रग था, बार्बिट्यूरेट की क्लासिफिकेशन। दूसरा ड्रग क्या है, ब्यूटा बार्बिटोन। ये किसके क्लास, ये भी बार्बिट्यूरेट के लेकिन इंटरमीडिएट में आता है, इंटरमीडिएट एक्टिंग बार्बिट्यूरेट में ये आता है आपका ब्यूटा बार्बिटोन। इसका बस क्या पढ़ना है आपको, इसका आपको ब्रांड नेम पढ़ लीजिए और इसका फिजिकल प्रॉपर्टी, फॉर्मुलेशन और यूज। तो ब्रांड नेम क्या होगा, स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना है। ब्रांड नेम इसका क्या हो गया, बीटा बार्बिटोन, ये जो होता है इंटरमीडिएट क्लास। इसका ब्रांड नेम होता सोरेनिल के नाम से मालूम, सोनेरिल के नाम से मार्केट में अवेलेबल होता है। सोनेरिल के नाम से मार्केट में अवेलेबल होता है ये, ठीक है। फिर इसका आता है फिजिकल प्रॉपर्टी, जितने भी बार्बिट्यूरेट है वो क्या होंगे, वाटर में पुअरली सॉल्युबल होंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आएगा, सबसे पहले कलर क्या है, व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर है। कलर में क्या होगा, व्हाइट कलर क्रिस्टलाइन पाउडर, ठीक है। व्हाइट कलर का ये क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, ठीक है। टेस्ट क्या होगा, इसका भी टेस्ट क्या होगा, बीटर होगा, बीटर कड़वा, ठीक है। सॉल्युबिलिटी क्या होगा, ये भी क्या होगा, सॉल्युबिलिटी क्या होगा, इनसॉल्युबल इन वाटर, और किसमें सॉल्युबल हो गया, सॉल्युबल इन क्लोरोफॉर्म, ईथर और आपका अल्कोहल, ठीक है। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी। फिर ये क्या है आपका, स्टेबिलिटी भी देख लेते हैं। ये भी क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे स्टेबल होता है, ठीक है। स्टेबिलिटी क्या होगा, स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। स्टोरेज क्या होगा, स्टोरेज कंडीशन क्या है, वेल क्लोज कंटेनर में रखते, वेल क्लोज कंटेनर, ठीक है। फिर क्या कह रहा है इसका, यूजेस, हिप्नोटिक है, इनसोमिया, नींद नहीं आता, लैक ऑफ स्लीप। इंसोमिया का मतलब होता है लैक ऑफ स्लीप, नींद ना आना, इंसोमिया,
इंसोमिया मतलब लैक ऑफ स्लीप, नींद नहीं आना। एनेक्सिटी टेंशन में, टेंशन की वजह से नींद नहीं आती, तो इस समय इस ड्रग को हम देते हैं। फॉर्मुलेशन में क्या होगा, इसका भी टेबलेट आता है, सिरप आता है और इंजेक्शन आता है, चाहिए तो लिख लीजिए इसको भी। क्या कह रहा है, यूजेस हो गया फॉर्मुलेशन में, किसमें यूज हो रहा है, ये टैबलेट फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल होगा, सीरप आती है और इसका इंजेक्शन आता है। तो ये आपका ब्यूटा बार्बिटोन जो आपका इंटरमीडिएट एक्टिंग बार्बिट्यूरेट के क्लासिफिकेशन के अंदर आता है। इसका मैंने सबसे पहले कलर बताया, व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, बीटर टेस्ट होता है, इनसॉल्युबल वाटर में होता है, सॉल्युबल अल्कोहल क्लोरोफॉर्म इथर में होता है। फिर मैंने इसका बताया स्टेबिलिटी, स्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पे, स्टोरेज वेल क्लोज कंटेनर में रखेंगे। तीसरा चौथा पॉइंट मैंने बताया क्या आपका, कि इसका यूज किसमें किसमें होता है, हिप्नोटिक ड्रग है, रिड्यूस करेगा एनेक्सिटी को और क्या करेगा, इंसोमिया। इंसोमिया मतलब बताया कि लैक ऑफ स्लीप, जिसको नींद ना आती हो, मतलब उसको दिक्कत हो, उसको ब्यूटा बार्बिटोन का टैबलेट सिरप या इंजेक्शन देते हैं। ये दो ड्रग बताया मैंने अभी, पहले फिनो बार्बिटोन, दूसरा आ गया ब्यूटा बार्बिटोन। फिर नेक्स्ट ड्रग देख लेते हैं, इसी क्लासिफिकेशन के है इंटरमीडिएट का ही साइक्लो बार्बिटोन। तो क्या होगा, साइक्लो बार्बिटोन ये भी वही है। इसका क्या होगा, इसका चौथ स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, इसमें क्या होगा जैसे बार्बिटोन वाला रिंग, इसमें यहाँ पे नाइट्रोजन, दोनों तरफ ऑक्सीजन, एक तरफ क्या होगा बेंजीन वाली रिंग, साइक्लो वाली, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2 या C2H5 भी लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो CH2 CH3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा NH और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया साइक्लो बार्बिटोन का, ठीक है, साइक्लो बार्बिटोन का ये स्ट्रक्चर हो गया। फिर मैं क्या बताएंगे इसका, ये इसकी प्रॉपर्टी देख लीजिए, प्रॉपर्टी में क्या होगा, ये भी व्हाइट कलर का पाउडर होता है, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीज में क्या कह रहा है, पहला कलर, कलर में क्या कह रहा है, व्हाइट कलर का पाउडर, व्हाइट कलर पाउडर, ठीक है। दूसरा क्या है, बीटर टेस्ट का। तीसरा क्या है, सॉल्युबिलिटी क्या कह रहा है, कि जो ये होता है स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है वाटर में, सॉल्युबल होगा अल्कोहल और क्लोरोफॉर्म में, स्पेरिंगली सॉल्युबल होगा वाटर में, सॉल्युबल इन क्लोरोफॉर्म अल्कोहल एंड इथर, ठीक है। तीस की फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। स्टेबिलिटी क्या होता है, जो साइक्लो बार्बिटोन होता है अनस्टेबल होता है, किसमें, आपके रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। तो फिर क्या होता है, ये इसका यूज भी देख लेते हैं, स्टोरेज वही होगा वेल क्लोज कंटेनर में रखते हैं। तो क्या कह रहा है ये आपका, कि जो आपका
स्टेबिलिटी क्या होता है इसका? अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। स्टोरेज क्या होगा? वेल क्लोज कंटेनर, ठीक है। फिर क्या कह रहा है आपका? यूजेस, यूजेस क्या होगा? प्री एनेस्थेटिक ड्रग है, ठीक है। प्री एनेस्थेटिक ड्रग है, ठीक है। सीडेटिव की तरह काम करता है। सीडेटिव का मतलब बताया कि विदाउट स्लीपी क्या होगा? माइल्ड डिप्रेशन कर देगा, रिड्यूस करेगा एनजाइटी। दूसरा क्या? इंसोमिया में यूज होता है, इसको नीड है। ये इसके यूज हो गया साइक्लोबार्बिटोन का। इसका भी क्या आता है? टैबलेट आता है, इंजेक्शन आता है, ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? इसका मेल्टिंग पॉइंट भी दिया है। तो ये आपका, ये क्या कहते हैं, ये आपका साइक्लोबार्बिटोन हो गया, ठीक है। तो साइक्लोबार्बिटोन का ये पूरा आपका दिया है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम इसका, इसका क्या होगा? इसका भी क्या आता है? फॉर्मुलेशन, फॉर्मुलेशन भी देख लीजिए। फॉर्मुलेशन में क्या हो जाएगा? टैबलेट आती है, इंजेक्शन आता है, फिर किसका हो गया आपका? साइक्लोबिन, साइक्लोबार्बिटोन। तो आज मैंने तीन ड्रग, सबसे पहले क्या बताया आपको कि सीडेटिव क्या होता है? सीडेटिव ऐसा ड्रग होता है जो क्या करेगा? आपके क्या कहते हैं, माइल्ड डिप्रेशन कर देगा, जिससे क्या होगा कि आपके रिड्यूस एनर्जेटिक को क्या करेगा? कम कर देगा विदाउट स्लीप, मतलब बिना नींद आए आपके क्या कर देगा? माइल्ड डिप्रेस कर देगा। जबकि हिप्नोटिक क्या होता है? हिप्नोटिक ऐसे ड्रग होते हैं जो क्या करते हैं? ड्रॉजनेस को प्रोड्यूस करते हैं, स्लीप को प्रोड्यूस करते हैं, और सीएनएस को क्या कर देते हैं? डिप्रेस कर देते हैं। ये सीडेटिव हिप्नोटिक में डिफरेंस हो गया। तो हिप्नोटिक के क्लास, इन लोगों का क्लासिफिकेशन है, पहला बारबिट्यूरेट, बारबिट्यूरेट को चार, सबसे पहला था लॉन्ग एक्टिंग बारबिट्यूरेट, उसमें आपका आता है फिनोबारबिटोन। फिर आता है इंटरमीडिएट एक्टिंग बारबिट्यूरेट, उसमें आपका आता है साइक्लोबारबिटोन और ब्यूटाबारबिटोन, ब्यूटाबारबिटोन और साइक्लोबारबिटोन। तो दोनों बता दिया। तो फिनोबारबिटोन में बताया कि किस कलर क्या होता है, जितने भी ये होते हैं क्या अभी तक जो, वो क्या हो रहे थे? कलरस या वाइट कलर का क्रिस्टल हो रहा था। फिर के मैंने क्या बताया कि इनका जो आपका फिनोबार्बिटोन जो होता है, वाटर में इनसॉल्युबल होता है। किसमें सॉल्युबल होता है? अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, ईथर में। फिर मैंने क्या बताया कि जो आपका फिनोबार्बिटोन जो होता है, ये हिप्नोटिक के तरह यूज किया जाता है, इंसोमिया डिजीज में भी यूज कर सकते हैं, रिड्यूस एनर्जेटिक को यूज करने के लिए किया जा सकता है। फिर मैंने साइक्लोबार्बिटोन में बताया, साइक्लोबार्बिटोन में प्री एनेस्थेटिक ड्रग होता है, इसका इंसोमिया में यूज होता है, हिप्नोटिक के तरह यूज होता है, रिड्यूस एनर्जेटिक करने में यूज होता है। ये सारे ड्रग मैंने आपको बता दिए। बीटा बार्बिटोन का स्ट्रक्चर, बार्बिटोन का स्ट्रक्चर क्या होता है, मेन दिमाग में रखना। तो मैंने क्या बताया, बारबिट्यूरेट का स्ट्रक्चर में क्या बताया था? बारबिट्यूरेट का जो स्ट्रक्चर होता है क्या होता है आपका? साइक्लो वाली, हेक्सेन वाली के, इसमें क्या होगा आपका? नाइट्रोजन यहाँ पे होगा, दोनों तरफ कीटो ग्रुप, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? NH, और ये आपका बारबिट्यूरेट का। जब यहाँ पे कोई कंपाउंड, अगर यहाँ पे CH2 CH3 जुड़ गया और इसके साथ साइक्लिक बेंजीन वाली रिंग जुड़ गई, तो ये आपका क्या हो जाएगा? फिनोबार्बिटोन हो गया। बस ये यहाँ पे बस ये वाली रिंग जुड़ जाएगी तो क्या होगा? साइक्लोबार्बिटोन हो गया। तो ये सारे स्ट्रक्चर आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से आज देखिएगा,
कि सीडेटिव होता क्या है, इसके क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, जो तीन ड्रग मैंने बताया लॉन्ग एक्टिंग में फिनोबार्बिटन, कहते हैं इंटरमीडिएट एक्टिंग बार्बिट्यूरेट में आपका क्या बताया साइक्लोबार्बिटोन और ब्यूटाबार्बिटोन, तीन सबका पूरा पढ़िएगा। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगी आगे।